सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आज मैं आया हूँ नाला सोपारा ईस्ट संतोष भवन में। और फ्रेंड्स, आज मैं ना ही कोई टूरिस्ट प्लेस पे आया हूँ और ना ही कोई बीच पे। सो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग ना ही कोई टूरिस्ट प्लेस ब्लॉग है, ना ही कोई बीच का ब्लॉग है। ये ब्लॉग आज बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ास होने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में आज हम ट्रैकिंग चैलेंज करने वाले हैं फ्रेंड्स, जो कि पूरे नाला सोपारा का सबसे ऊंचा पहाड़, हाईएस्ट माउंटेन। फ्रेंड्स, आप मेरे पीछे देखिए, ये जो पहाड़ देख रहे हैं, ये पहाड़ देखने में आपको बहुत ही छोटा लग रहा है, लेकिन बहुत नाला सोपारा का सबसे ऊंचा और हाईएस्ट माउंटेन है फ्रेंड्स। बहुत ही ऊंचा और लंबा और काफ़ी दूर तक फैला हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो फ्रेंड्स, आज इस पहाड़ की हम ट्रैकिंग करने वाले। देखिए, आप मेरे को स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। ये देखिए, आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो मेन रोड है, ये मेन रोड से जस्ट सटा हुआ ये पहाड़, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, ये पहाड़ के आज हम ट्रैकिंग करने वाले, इस ट्रैकिंग चैलेंज पे है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज चलिए, आज हम देखते हैं कि ये पहाड़ हम पहाड़ के मेन पॉइंट तक पहुंच पाते हैं कि नहीं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस ट्रैकिंग चैलेंज पे चलते हैं, और हम इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है और काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो भी होगा फ्रेंड्स, कि ये जो सबसे ऊँचा पहाड़ है, इस पहाड़ के हम आपको हर एक व्यूज़ और नज़ारे दिखाने वाले। और फ्रेंड्स, ये पहाड़ का मेन खास बात ये है कि इस पहाड़ के जो मेन पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो आपको नाला सोपारा का पूरा व्यूज़ नज़र आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग होने वाला है। और फ्रेंड्स, ये पहाड़ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और चैलेंजिंग है। और फ्रेंड्स, आज मैं और मेरा एक दोस्त है जो कि कांदीवली से आया, तो आज हम दोनों इस ट्रैकिंग चैलेंज पर जाने वाले। तो आज हम देखते हैं कि इसके मेन पॉइंट तक आवाज पहुंच सकते हैं कि नहीं। आज हम आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो फ्रेंड्स, चलिए अब इस ट्रैकिंग वीडियो चैलेंज को हम स्टार्ट करते हैं। तो आप भी इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, फाइनली देखिए, आप ये देख सकते हैं, देखिए काफ़ी लंबा पहाड़ है। तो आज इस पहाड़ के ऊपर हम ट्रैकिंग करने वाले हैं गाइस। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो चलिए। तो गाइस देखिए, हम पहाड़ के ऊपर आ चुके हैं। तकरीबन आधे से ज़्यादा रास्ता तकरीबन तय कर लिया फ्रेंड्स। अभी हमें काफ़ी ऊपर जाना है। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं कि ये ट्रैकिंग चैलेंज कंप्लीट करने में हमें कितना टाइम लगता है, एक घंटा दो घंटा, देखते रहिए फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ हवाएं भी बहुत तेज़ चल रही है और चढ़ने में प्यास भी बहुत लग रहा है फ्रेंड्स, गर्मी का समय। तो आइए चलते हैं। गाइस देखिए, हम पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो आइए चलते। गला सूख गया यार, बहुत प्यास लग रहा है। काफ़ी ख़तरनाक चैलेंज है, फिर भी हम करके रहेंगे। वी कैन डू इट। फ्रेंड्स, काफ़ी लंबा और ख़तरनाक पहाड़ है, चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स, इस पहाड़ पे आप आइएगा तो एकदम सावधानी से आइएगा, क्योंकि ये पहाड़ बहुत ही फिसलता भी है फ्रेंड्स। अगर आपका थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो फ्रेंड्स, आप सीधा नीचे जाने वाले। काफी ऊंचा है। फ्रेंड देखिए, हम काफी ऊपर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, हमें पीछे का नज़ारा दिख रहा है थोड़ा बहुत। देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी, देखिए अभी बहुत ऊपर हमें जाना है फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं ऊपर। फाइनली देखिए हम तकरीबन 50% ट्रैकिंग चैलेंज कंप्लीट कर चुके हैं और मैं अभी फ्रेंड्स अभी तकरीबन 50% और कंप्लीट करना है और मैं आपको ये पीछे दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो आप बड़ा सा खाई देख रहे हैं, देखिए तोड़े गए पूरे पहाड़ को। फ्रेंड्स इस पहाड़ को तकरीबन पिछले 20 साल से तोड़ने की कोशिश की जा रही है लेकिन अभी तक इसका एक हिस्सा भी नहीं तोड़ पाए। और फ्रेंड्स ये जो पहाड़ यहाँ तोड़े जाते हैं, मैं बता दूं फ्रेंड यहाँ से ट्रक द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है मिट्टी, मतलब पूरे नाला सोपारे में जहाँ भी अगर रूम या फिर बिल्डिंग में यूज़ होता है मटेरियल तो यहीं से लेके जाया जाता है पत्थर वत्थर। और फ्रेंड्स देखिए अभी मैं यहाँ से आपको पीछे का नज़ारा दिखता हूँ, देखिए पूरा नाला सोपारा, काफ़ी नाला सोपारा के देखिए जितने भी घर है बिल्डिंग है सब छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं फ्रेंड। देखिए देखिए फ्रेंड काफ़ी ज़बरदस्त सीन है। फ्रेंड्स ये पहाड़ इतना लंबा और इतना खतरनाक है कि अगर आप यहाँ पे सावधानी नहीं बरते तो यहाँ पे मतलब आपकी गिर के आप कुछ मतलब क्या बोले फ्रेंड गिर के आप घायल भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस पहाड़ पे आइएगा तो एकदम सावधानी के साथ आइएगा और ख़ास करके अगर बच्चे हैं तो बच्चे अकेले ना आए, किसी बड़े के साथ ही आए तो अच्छा रहेगा। और फ्रेंड्स ये पहाड़ ट्रैकिंग की जो भी मतलब आगे के है, अभी चलिए हम आगे चलते हैं ट्रैकिंग पे और आगे की जो रास्ते बचे उसे तय करते हैं। तो आइए चलते हैं। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे। गाइस फाइनली हमने आधे 70% रास्ता कवर कर लिया है। और फ्रेंड्स मैं आपको खास बात ये बताऊँ, ये पहाड़ इतना ऊंचा और ख़तरनाक है कि मेरा फ्रेंड्स बहुत ही नीचे रह गया फिर, और मेरा फ्रेंड बोलता है कि मैं नहीं चढ़ूँगा, मुझसे नहीं होगा, गिर जाएंगे तो अपने को कुछ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मुझे तो ट्रैकिंग चैलेंज कंप्लीट करना है फ्रेंड्स, तो मैं तो जाऊँगा ही। मेरा फ्रेंड्स भी धीरे धीरे आ रहा है, देखिए वो कोशिश करके आने की कोशिश कर रहा है, देखिए आ पाता है कि नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स आज हम कुछ भी हो जाए ट्रैकिंग चैलेंज कंप्लीट करके रहेंगे फ्रेंड्स, हमें मेन पॉइंट तक जाना ही है। आप मेरे पीछे देखिए, हमने आधे से ज़्यादा रास्ता तय कर लिया है फ्रेंड। ये देखिए मैं आपको पूरा नाला सुपारा का नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स काफ़ी छोटी जितनी भी बस्तियाँ, घर, रोड, गाड़ियाँ, टावर सब छोटे छोटे दिख रहे फ्रेंड। देखिए ऐसा लग रहा है कि फ्रेंड्स ये कोई मतलब इंडस्ट्रीज के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वैसे लग रहे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ट्रैकिंग पे आके आज बहुत मज़ा आ रहा है, काफ़ी एकदम कूल मौसम और ठंडी ठंडी हवा एकदम पहाड़ पे ज़बरदस्त चल रही है फ्रेंड्स। देखिए आप ये चारों तरफ देखिए पेड़ पौधे जो भी है फिर लहरा रहे, बहुत मज़ा आ रहा है। तो फ्रेंड्स अभी हम चलिए, हम आधे 70% तो कवर कर चुके हैं ट्रैकिंग चैलेंज। और फ्रेंड्स अभी हमने बहुत प्यास लग रहा है, गर्मी का समय है फ्रेंड्स, तो हम चलिए थोड़ा पानी पीते फिर आगे बढ़ते, क्योंकि फ्रेंड्स अपने बॉडी के लिए मिनरल वाटर बहुत ही ज़रूरत है फ्रेंड्स, क्योंकि एक बार हम खाने के बिना रह लेंगे लेकिन मिनरल वाटर के बिना हम नहीं रह सकते। तो फ्रेंड्स चलिए हम पहले थोड़ा पानी पीते हैं, उसके बाद हम आगे पानी पिएंगे, 5 मिनट रेस्ट करते हैं, उसके बाद हम आगे का ट्रैकिंग कंप्लीट करते हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं। गाइस हम काफ़ी थक चुके हैं अभी, देखिए चलिए मैं बैग में से फ्रेंड्स वाटर बॉटल निकाल लेता, हमें बहुत प्यास लग रही है फ्रेंड्स, हम थोड़ा पानी पीते फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने बोतल निकाल लिया फ्रेंड्स, चलिए हम थोड़ा पानी पीते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत प्यास लग रहा है, गला पूरा सूख चुका है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम थोड़ा अभी बैठते हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स पानी पीने के बाद सच बोलूँ तो फ्रेंड्स बहुत ही अभी कूल फील हो रहा है फ्रेंड्स, पानी पीने के बाद ऐसा लग रहा है कि हमारी बॉडी की एनर्जी रिटर्न आ गई है। तो फ्रेंड्स चलिए अभी हमने वाटर पी लिया, अभी फ्रेंड्स मेरा दोस्त काफ़ी नीचे है, अभी तक वो आया नहीं, तो हम उसका वेट करते, जब वो आ जाता है तो हम चलेंगे ऊपर ट्रैकिंग की ओर। तो
इस वीडियो को अंत तक देखे रहेगा, आपको बहुत मजा आएगा। तो गाइस फाइनली देखिए हमने यहाँ, मैं यहाँ पहुँच चुका फ्रेंड्स, मेरा फ्रेंड्स भी आ गया जो कि काफ़ी पीछे रह गया था। इसे चढ़ने में फ्रेंड बहुत डर लग रहा है, बोलता है हम इधर ही ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स मैंने बोला अभी थोड़ा आए, हमें पूरा कवर करना है उसको। देखिए तो चलिए फ्रेंड्स अभी कुछ खाते पीते हैं क्योंकि प्यास तो बहुत लग रहा है, भूख भी लग गई है। क्योंकि ये ट्रैकिंग नॉर्मल चैलेंज नहीं है फ्रेंड, क्योंकि ये फ्रेंड बहुत बड़ा है। इस पहाड़ पे मेन पॉइंट तक कोई जल्दी चढ़ नहीं पाया फ्रेंड, आधे रास्ते से ही सब चले गए, बट हम मेन पॉइंट तक ज़रूर जाएंगे फ्रेंड। ये कहा है लल्ली वी, लगे रहिएगा फ्रेंड्स अंत तक, आपको बहुत मजा आएगा ट्रैकिंग वीडियो देखने में। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा, आपको फुल ट्रैकिंग का एंजॉयमेंट होएगा फ्रेंड्स। तो देखते रहिए वीडियो को। हमने यहाँ पे हम रेस्ट कर लिया, हमने जो नीचे से हमारे लिए जो चिप्स वगैरह या फिर ब्रेकफास्ट लाए थे वो हमने खा लिया फ्रेंड्स। अब हम थोड़ा रेस्ट कर चुके हैं, अब चलते आगे की ट्रैकिंग चैलेंज कम्प्लीट करते। तो फ्रेंड्स आइए चलते। हम लोग फाइनली पहाड़ के ऊपर पहुंच गए गाइस। फाइनली देखिए हमारा जो ट्रैकिंग चैलेंज था, हम इसकी मेन पॉइंट तक पहुंच चुके हैं फ्रेंड। बहुत ही मजा आ रहा है। राज भाई कैसा लग रहा है आपको? अरे आपको क्या, लाइफ का फर्स्ट टाइम जो पहाड़ को जो ट्रैकिंग किया काफी मजा आया। तो सो गाइस आप भी अपने लाइफ में एक बार ट्रैकिंग कीजिए, आपको काफी कुछ नॉलेज मिलेगा, काफी कुछ आपको मजा आने रहा है, क्योंकि गाइस डर के ऊपर तो जीत बनता ही है। सो गाइस आपको भी आए आपकी बहुत मजा आएगा, फुल एंजॉयमेंट किए होंगे इस ट्रैकिंग चैलेंज पे। तो फ्रेंड्स हम तो फाइनली हम पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, तो आप इस वीडियो को देखते रहेगा, आपको भी बहुत सारे यूनिक पॉइंट्स बताएंगे। तो देखते रहे कि हम अपने मेन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। सो फाइनली हमारा फ्रेंड्स अंदर से इतना मस्त फील हो रहा है ना फ्रेंड्स कि मैं हमने अपना ट्रैकिंग चैलेंज कंप्लीट कर लिया फ्रेंड, बहुत ही मजा आ रहा है। देखिए मैं आपको पीछे स्क्रॉल करके दिखाता हूं, देखिए हम मेन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और आप मेरे आजू बाजू देखिए, देखिए छोटे मोटे पहाड़ दिए गए। देखिए फ्रेंड्स कितनी छोटी छोटी बिल्डिंग है, घर है, सब छोटे छोटे दिख रहे फ्रेंड्स। ये मतलब ये पहाड़ अगर वसई विरार में देखा जाए फ्रेंड तो सबसे लंबा पहाड़ यही है पूरे वसई विरार के अंदर। और देखोगे फ्रेंड देखिए यहाँ से पूरा वसई विरार का नज़ारा पूरा काफ़ी मस्त दिखता है फ्रेंड। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ा आ रहा है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आई होप कि ये ट्रैकिंग चैलेंज ब्लॉगिंग आप वीडियो आप बहुत इंजॉय किए होंगे, आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो इन्जॉयमेंट करते रहिए फ्रेंड्स। और ये ट्रैकिंग चैलेंज आपको कैसा लगा? सो फ्रेंड्स इस वीडियो को बनाने के लिए हमने काफ़ी मेहनत किया, और क्योंकि फ्रेंड्स हर दिन हम आपको प्लेस, टूरिस्ट प्लेस या फिर बीच के ब्लॉग्स बना के दिखाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स हमने इस बार सोचा कि हम अपने जो हमारे जो फैंस हैं हम उसको कुछ यूनिक दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स हमने आज देखा कि जो मतलब यहाँ का जो इन्वायरमेंट और मौसम है आज एकदम फ्रेश है फ्रेंड, धूप भी नहीं है, काफ़ी धूप भी सब हट चुकी है, बादल गिरे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड मौसम भी एकदम कूल है और एकदम फ्रेश एयर चल रहा है और फुल्ली इन्जॉयमेंट हो रहा है फ्रेंड। तो मौसम इतना कूल और हवा इतनी मस्त चल रही है ना फ्रेंड कि हमने सोचा कि चलिए आज चलते ट्रैकिंग करने के लिए, बहुत ही मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स आप भी फुल इंजॉय करना इस वीडियो को देख के, तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। फाइनली हमने हमारा जो ट्रैकिंग चैलेंज था हमने कंप्लीट कर लिया है। हम जो नाला सोपारा का सबसे ऊंचा और लंबा पहाड़ है उसके मेन पॉइंट तक पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए काफ़ी बस्तियां घर है, देखिए दूर दूर तक आपको नज़ारे दिखा रहे। और फ्रेंड्स आप मेरे पीछे देख सकते हो जो सामने पहाड़ दिख रहा है वो जीवदानी का पहाड़ है फ्रेंड्स। उस पर फ्रेंड मतलब यहाँ ये जो पहाड़ है पूरे वसई विरार में सबसे लंबा पहाड़ है, यहाँ से आपको पूरा वसई विरार नाला सोपारा का पूरा व्यूज़ दिखता है। तो फ्रेंड्स आप भी एक बार ज़रूर आइएगा इस पहाड़ पे और यहाँ के व्यूज़ देखिएगा, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। सो फ्रेंड्स अभी फाइनली यहाँ आप आ कैसे सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो आप फ्रेंड्स वेस्टर्न लैंग में जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ से आपको नाला सोपारा स्टेशन उतरना है, और नाला सोपारा ईस्ट में आने के बाद आपको फ्रेंड्स
आप वहाँ शेयरिंग ऑटो, शेयरिंग ऑटो भी आती है फ्रेंड, जो जिसका कॉस्ट 20 रुपीज़ है। अगर आप वसई विरार शहर महानगर पालिका के बस से आते तो उसका कॉस्ट 10 रुपीज़ है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आप चाहे ऑटो रिक्शा से आए या फिर बस से आए, उन्हें आपको मतलब उन्हें आपको बोलना है कि संतोष भवन पेट्रोल पंप पे छोड़े। तो फ्रेंड्स संतोष भवन पेट्रोल पंप पे आपको उतरना है, जस्ट उसके सामने आप देखेंगे तो ये पहाड़ आपको दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स इस पहाड़ पे एक बार आप ज़रूर आइएगा और फुल इंजॉयमेंट करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आई होप कि आप ये वीडियो फुल एंजॉय किए होंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे आने वाली सभी न्यू ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो फ्रेंड्स अब मिलता हूँ आपको कुछ यूनिक वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पीछे रह गया था इसे चढ़ने में फ्रेंड, बहुत डर लग रहा है, बोलता है अब इधर ही खत्म करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स मैंने बोला अभी थोड़ा आए, हमें पूरा कवर करना है उसको।